था, अब उस कैश को हमको फिर से इसमें एंटर करना है कि हमने कितना वैल्यू एंटर किया है। हमने सिर्फ एटीएम को यह बताया है कि हमने कितना कैश नंबर ऑफ नोट्स कितने लोड किए हैं, लेकिन वैल्यू नहीं बताया था। तो अब हम मशीन को ये भी बताएंगे कि हमने कितना कैश वैल्यू में लोड किया है। जैसे हम स्टार्ट में गए थे इंग्लिश मेन मेन्यू, चेक योर बैलेंस में जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे, और अभी हम यहाँ पे जो होते हैं तीन ऑप्शंस, बैलेंस टर्मिनल, मिड पॉइंट एडजस्टमेंट और प्रिंट सब टोटल, यहां से प्रिंट निकाले थे हमने। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट एडजस्ट में जाके कैश इंक्रीज करेंगे। कौन सी कैसेट में हमने कैश भरा है? टाइप वन में तो ब्लैंक है, टाइप फोर भी ब्लैंक है, ये 2000 वाला कैसेट है, टाइप थ्री वाला 500 वाला है, टाइप टू वाला 100 वाला है। तो हमने 100 में कोई कैश इंसर्ट नहीं किया है, वैल्यू कोई नहीं भरा है, तो हम सब टाइप को इसको इंक्रीज करेंगे। हमने यहाँ पे भरा है 1.5 लाख रुपए, तो इसको हम 1,50,000 को ऐड करेंगे, करेक्ट। तो इसके बाद भी आपको एक स्लिप आएगा, एटीएम मशीन स्लिप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कितना कैश इंसर्ट किया है। तो टोटल वैल्यू जो दिखा रहा है 2,25,000 रुपये, जो पहले हमारे थे 1.5 लाख रुपए थे, और ये अभी के 2 लाख, जैसे 1.5 लाख, तो टोटल 2.25 लाख दिखा रहा है। तो अभी हम उसको कुछ कर नहीं सकते, हमारा एडिशन हो गया है, तो क्या एटीएम को हम बाहर निकालेंगे, और इस तरह से कैश लोडिंग हो गया। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।